तमाम कष्टों को हरने वाला पर्व हरतालिका तीज। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 को 11:08 से शुरू होगा, जो अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर समाप्त होगा। हरियाली तीज के मौके पर हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। विवाहिताएं इस दिन 24 घंटे का निर्जला व्रत कर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस व्रत में सुहागिने और कुंवारी लड़कियां पूरे श्रृंगार के साथ रात्रि जागरण कर शंकर पार्वती की पूजा करती हैं। इस साल हरतालिका पूजा का शुभ मुहूर्त है। हरतालिका तीज के दिन सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस साल हरतालिका तीज व्रत बहुत खास संयोग लेकर आ रहा है, जो स्त्रियों को कई गुना लाभ देगा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती मन ही मन शिव जी को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके पिताजी ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया। ऐसे में पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण कर उन्हें जंगल में ले गईं, जहां माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। भूखे प्यासे रहकर साधना करती रहीं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की। शिवजी माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। माता पार्वती की सहेलियां उनका हरण कर जंगल में ले आई थीं, इसलिए इस व्रत को हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल हरतालिका तीज का व्रत रवि योग इंद्र योग के संयोग में रखा जाएगा। खास बात यह है कि हरतालिका तीज के दिन सोमवार पड़ रहा है। ये व्रत और सोमवार का दिन दोनों ही शिव जी को समर्पित है। ऐसे में हरतालिका तीज की पूजा से महादेव बहुत प्रसन्न होंगे।